क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पास्का का तीसरा रविवार है और हम सबों के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक सुसमाचार दिया गया है मनन चिंतन करने के लिए। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों के लिए शांति लेकर आए हैं, हमारे समाज में शांति देना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के बीच में उपस्थित होते हैं। करीब 3 वर्षों तक प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्यगण उनके साथ रहें, उनके अच्छे कार्यों को देखें, उनके सारे चमत्कारों को नजदीकी से अनुभव किए। लेकिन जब प्रभु यीशु ख्रिस्त मृत्यु प्राप्त कर लिए तो उनके शिष्यगण डरने लगे और डर के कारण वे लोग अपने अपने पेशे में जाना शुरू कर दिए, यह सोचकर कि हमारा राजा, हमारा कर्ता धर्ता अब कोई नहीं रहा और इसलिए जो भी कार्य पहले कर रहे थे वे लोग अपने अपने कार्य में वापस जाना शुरू कर दिए। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त आसानी से उन लोगों को छोड़े नहीं, जगह जगह पर समय समय पर अपने शिष्यों को दर्शन दिए और सबों के बीच में शांति लाए। पिछला सप्ताह, पिछला रविवार को हमने सुना संत थॉमस, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के करीबी शिष्य थे, वे भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान पर शक करते हैं और कहते हैं अपने दोस्तों से कि जब तक मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त को छू ना लूं, अपने नग्न आंखों से देख ना लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वह पुनर्जीवित हो चुका है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त थॉमस को दर्शन देकर कहते हैं, थॉमस तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं अभी पुनर्जीवित हो चुका हूं, मेरे पास आओ और मेरे बगल में उंगली डालो और यह विश्वास करो कि मैं कब्र में नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ आया हूं रहने के लिए, मैं पुनर्जीवित हो चुका हूं। और इस तरह से थॉमस प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं और सुसमाचार का प्रचार करने को निकल जाते हैं बाहर। और आज के सुसमाचार में हम लोग पाते हैं कि शिष्यगण डरे हुए हैं, एक कमरे में बंद है और उसी समय प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके बीच में उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जैसे ही प्रभु यीशु ख्रिस्त की आवाज उन लोगों तक पहुंचती है, तुम्हें शांति मिले, वे लोग फिर डर जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त तो शांति कराए लेकिन वे लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिष्यगण कभी यह नहीं सोचे थे कि कोई मृत व्यक्ति फिर से पुनर्जीवित हो सकता है, क्योंकि पुराने समय में यह धारणा थी कि जो भी मृत्यु प्राप्त करते हैं वे कुछ दिनों तक, कुछ समय तक भूत के रूप में इधर उधर दिखाई देते हैं। और इसलिए जब वे लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने बीच में देखे तो वे लोग यह नहीं विश्वास किए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सचमुच में पुनर्जीवित होकर उनके बीच में आए, लेकिन वे लोग सोचे कोई भूत आ गया उनके पास, इसलिए वे लोग डर गए। शिष्यगण में डर, भय, इस एक प्रकार का। दूसरा प्रकार का भय उन लोगों में था कि कहीं विश्वास करना शुरू कर दे यीशु ख्रिस्त में, पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में, तो जो भी प्रधान याजक उस समय के हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, वे लोग हमारे विरोध में खड़ा हो जाएंगे और हम सबों के को बंदी गृह में डाल देंगे। वो उन लोगों को डर था कि कहीं हम लोग पकड़े ना जाए, कहीं हम लोग बंदी गृह में ना डाले जाए। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त उन लोगों को कहते हैं, विश्वास करो, मैं पुनर्जीवित हो चुका हूं, तुम्हें शांति मिले। प्रिय भाइयों एवं बहनों, सचमुच में पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों के बीच में शांति लेकर आते हैं। लेकिन क्या हम उस शांति को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस शांति को अपने हृदय में, अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में, उस शांति को हम स्वीकार करने को तैयार हैं? यदि हम उस शांति को सचमुच में ग्रहण करेंगे तो हम पाएंगे कि हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं और सचमुच में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ रहते हैं।
आज हम सबों को सचमुच में हमारे समाज में हम सबों को प्रत्येक व्यक्ति को शांति की जरूरत है, और वह शांति जो है हम सबों को प्रभु से ही मिल सकता है। और प्रभु से कैसे मिलेगा जब तक कि हम प्रभु से जुड़े नहीं है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर विश्वास करें कि सचमुच में हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हो गया है। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त कब्र में नहीं, वह हमारे साथ है, हमारे हर कदम में है, हमारे हर दुख सुख में है। इसलिए आइए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हम सबों को शक्ति प्रदान करें कि हम सचमुच में उस शांति को पहचानें जो प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को देना चाहते हैं। आइए हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करें।